हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मशहूर यूट्यूबर शाम इदरीस और फ्रॉगी की अलहदगी हो गई है, ये खबर इंस्टाग्राम पर मशहूर यूट्यूबर शाम इदरीस ने पोस्ट की। फ्रॉगी का असली नाम सहर है, मगर यूट्यूब पर वो फ्रॉगी के नाम से जानी जाती है। इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मैं ऐलान करना चाहूँगा कि मैं और फ्रॉगी अपने रिश्ते में एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए दूर हो रहे हैं। इन्होंने लिखा कि बराह करम मुझे फ्रॉगी के ख़ानदान के किसी दूसरे फर्ज से मुतालिक मसाइल में शामिल ना करें, मैं इस मुश्किल वक्त में तन्हा रहना पसंद करूंगा। शाम इदरीस कनाडा में मुकीम मारूफ यूट्यूबर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 104 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक और खबर है, वहाब रियाज जो कि एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, बहुत ही नामवर क्रिकेटर, वो पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बन चुके हैं। जी दोस्तों, वो अभी BPL खेल रहे हैं, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उसके बाद PSL भी खेलेंगे। PSL उनकी पहली लीग होगी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बनने के बाद। एक और खबर है कि पठान जो शाहरुख खान की फिल्म है, 25 जनवरी को रिलीज़ होने के बाद अब तक 550 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। संजू और बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्म, सबके रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए हैं। तो इतना ज़्यादा हेट मिलने के बाद बॉयकॉट ट्रेंड भी चलाया गया, लेकिन फिर भी शाहरुख खान की फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सका और इसने नए रिकॉर्ड्स भी कायम किए, पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े। और लेटेस्ट खबर सबसे ज़्यादा यह है कि अली ज़फ़र इस बार PSL 8 का गाना गाएंगे। जी दोस्तों, उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में थोड़ा सा PSL 8 का गाना भी गाया था और इससे लग रहा है कि अली ज़फ़र ही इस बार PSL 8 का गाना गाएंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि शायद अली सेठी गाएं, मगर अली सेठी नहीं, अली ज़फ़र इस बार PSL 8 का सॉन्ग गाएंगे। दोस्तों, ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए और अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।